गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग धोनी सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, बैट्समैन हो। जी सर। ज्यादा फास्ट है, थोड़ा स्लो डालो। नहीं सर, ठीक है। एक बार और ट्राई कर। ए धोनी, अभी बाउंसर मारेगा, हेलमेट पहन ले। सर सर भैया, आउट हो जा, नहीं तो डालता रहेगा। ये नौकरी का सवाल है भैया, नौकरी के लिए आउट थोड़ी ना होंगे। वेल प्लेड, गुड शॉट। बैट स्विंग अच्छा है तुम्हारा, लेकिन थोड़ा स्ट्रेट मारने का ट्राई करो। वी में खेलो, मिड ऑफ मिड ऑन, और हवा में कम मारो। जी सर। ड्यूटी के बाद रोज प्रैक्टिस, जितना ड्यूटी उतना प्रैक्टिस। कर पाएगा? जी सर। 2 महीने के बाद रेलवे का ट्रायल है, अच्छा परफॉर्म करना है। जी सर। अगले हफ्ते से ड्यूटी ज्वाइन करो। थैंक यू सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये है क्या कर रहा है? नहीं, इसके पीछे। अच्छा, वो है अनिमेश बाबू का बंगला, बाउंड्री वॉल के साथ वाला। वहां सीमेंट की पिच बनवा दी है, और हमें यहाँ इसलिए रखे हैं कि कभी भी प्रैक्टिस के लिए वहां बुला सके। आओ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आपने बुलाया सर? आओ सत्य प्रकाश, ये महेंद्र सिंह धोनी तुम्हारे साथ खेलता है ना? जी सर, जूनियर है सर, अच्छा खेलता है। रेलवे ज्वाइन करेगा? टिकट कलेक्टर बनेगा? पता नहीं सर। बोंडा मोंडा रेलवे स्टेशन पता है? सर, खड़गपुर में ही ठीक हूं सर। उसको रेलवे के तरफ से जॉब ऑफर करो। चिट्टू, महेश कहाँ हो गया? तुम्हारे पापा ढूंढ रहे हैं तुमको, जल्दी आओ। आप क्या किए तुम? हम तो कुछ नहीं किए। शायद इसलिए ढूंढ रहे होंगे।
जी जी। अरे कहाँ थे तुम? रेलवे में स्पोर्ट्स का कोटा होता है और अनिमेश बाबू को क्रिकेट का बड़ा शौक है। अभी साउथ ईस्टर्न रेलवे में अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन ढूंढ रहे हैं और मही पर कई दिनों से नजर रखे हुए थे। टीसी का जॉब तो कंफर्म है ना? अनिमेश बाबू खुद ट्रायल लेंगे मही का, अगर मही पास हो गया जॉब पक्का। अरे ट्रायल में तो पास हो ही जाएगा। ये एकदम ठीक हो गया। पहली पोस्टिंग खड़गपुर में ही होगी, उसके बाद ट्राई करेंगे कि रांची आ जाए और सब कुछ मिल मिला के 5,000 के आसपास हाथ में आ जाएगा महीने की पहली तारीख को। बताओ अपना मही टीसी बन जाएगा माता के आशीर्वाद से, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। जाने का मन नहीं है तो बोल क्यों नहीं देता पापा को? तुम पापा को देखी ना? और अभी इनको थोड़ा पैसा का भी जरूरत पड़ेगा ना। तुम इतना बड़ा बड़ा बात मत किया करो हमसे, समझे? एक बात बताओ दीदी, तुमको क्या लगता है हमारा लाइफ में कुछ होगा कि नहीं? अरे क्यों नहीं होगा, देखना तुम एक दिन जरूर बहुत बड़े आदमी बनोगे। मही सत्या भैया बोल रहे थे कि अगर तुमने अच्छे से नौकरी की तो रेलवे में एक दिन आरएम भी बन सकते हो। क्या हुआ, हमको कुछ और बोलना चाहिए था क्या? हम तुम लोग को बहुत मिस करेंगे। हम भी। आओ यहाँ रख दे भैया। हाँ दो ठो कमरा है जी, एक ये वाला एक ये वाला। वो दरवाजा बंद करो, ये दरवाजा बंद नहीं करते ना तो ये दरवाजा नहीं खुलता। अच्छा आओ, ये बाथरूम है और ये किचन, यहाँ चाय शक्कर सब्जी वब्जी सब है, खाना बनाने का सारा इंतजाम है। बहुत बढ़िया भैया, आओ। और ये है हमारा गार्डन, रेलवे में क्वार्टर से बड़ा गार्डन होता है। पेड़ वेड़ लगा दिए हैं इधर, आओ। अच्छा ये वाला दरवाजा हमेशा बंद रखना जी, सांप आ जाता है यहाँ से। यहाँ से? हाँ। अच्छा है भैया, बड़ा है? अरे बड़ा नहीं, तीन लोग और रहते हैं। अच्छा। उनका डे शिफ्ट आते ही होंगे। हम दास बाबू को बोल दिए, हमको ज्यादा अहम मत सिखाइए। तुम एकदम ठीक बोले दीपक, एकदम आ गए। अरे क्या हाल चाल? बस बढ़िया, मजे में। अच्छा बताया था ना तुमको मई के बारे में? हाँ हाँ यही है भाई, रॉबिन, दीपक, जयेश। ये तो बहुत छोटा है, इसको नौकरी कैसे दे दिए? अरे एक मैच खेलो पता लग जाएगा। अच्छा हाँ, लेकिन सोओगे कहाँ? कहीं भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा खा पी के जल्दी सो जाना जी। अच्छा भैया आज अनिमेश बाबू को जो फूका इन्होंने, और स्पिन डाले सिक्स, फाल्ट डाले सिक्स, 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 मतलब दादा दादा। हाँ सरकार बाबू कहाँ? वहाँ पे हैं सर, सामने सामने वाले रूम में। एक सेकंड। गुड मॉर्निंग सर, महेंद्र सिंह धोनी रिपोर्टिंग सर। हाँ आओ सर। ये रहा तुम्हारा टेबल चेयर सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, इसे फाइल कर दो। ओके सर। पिकिंग अप ड्यूटी लिया? कर लिया ना सर। हाँ वो दास बाबू। गुड मॉर्निंग सर। और वो सिंह सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ 8013 आप एक नंबर पे आएगा, 8:30 बजे आने का था, लेट चल रहा है, अराइवल टाइम पता कर लो। टीसी कंपार्टमेंट में घोषाल मिलेगा, उसको ये पेपर देना, वो तुमको जो देगा अपने पास रख देना। 8029 डाउन आएगा, 2 नंबर पे 9:30 बजे, वहाँ पे शुक्ला मिलेगा, शुक्ला को ये पेपर देना, वो जो शीट देगा अपने पास रख देना। जाओ ठीक है सर। 8013
एक सेकंड हटिए ऐसे नहीं गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर एक के बदले प्लेटफॉर्म नंबर तीन नौटा बेटी से निश्चित आज गई। कृपया ध्यान दीजिए टाटा से हावड़ा जाने वाली 8013 अब स्टील एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से एक घंटे लेट चल रही है। अब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर एक के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर 9:30 पर आएगी। धन्यवाद। अरे कौन शुक्ला, अभिजीत घोषाल हूँ मैं। ये टिकट है, उधर जाके देखो। अरे ये तो 8029 डाउन का है सर, ये वाला सर। सिर्फ आपका थोड़ा अच्छा, एक मिनट देखता हूँ सर। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, बोला ट्रेन वहाँ से छूट रहा है, उसको भी एक कॉपी। अरे क्यों चिल्ला रहे हो, एक सेकंड काम करने दो पहले। वो दोनों ट्रेन साथ में आ गया सर, हम ट्राई किए सर, लेकिन कितना ट्राई किए सर? पूरा ट्राई किए सर। पीटी के 465 आ रहा है सर, चलान बुक निकाल लो और 3 गेट पे चले जाओ। ठीक है सर। रिपीट ऑफेंडर्स आए दबा के फाइन मारना। ठीक है सर, जाओ। कैसा चल रहा है धोनी का? पहला दिन ट्रेन मिस हो गया एक, और 3 प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस दे दिया उसको। तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार। यस सर। स्पेशल केस है? चिंता नहीं सर, लेकिन वो दास बाबू और सिंह सर को अभी से उसका रिक्रूटमेंट खटकने लगा है सर। देखता है। एक बात पूछूं सर? पूछो। उसमें स्पेशल क्या है? अभी भी क्रिकेट खेलता है? कभी कभी सर। उसके साथ एक मैच खेलो, पता चल जाएगा। आ गया मई। हाँ भैया। अरे कैसा रहा पहला दिन? यॉर्कर था। अरे जल्दी से कुछ खा ले, प्रैक्टिस पे जाना है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो। थैंक यू। कैसे हो? ऑल वेल सर। कल का मैच देखा? देखा ना सर। बॉयज हैव डन अस प्राउड। Gaif and Yuvraj were brilliant. They were too good. John is doing everything right. Saurabh ne wo t-shirt jo nikala wo sahi tha ke galat, thoda debatable hai. Otherwise Indian cricket is in good hands. Hame future ke bare mein bhi sochna chahiye. Of course. Last year Makrand Vaingankar joined Karnataka State Cricket Association as a consultant. Makrand has achieved some fantastic results in getting new talents from smaller districts. अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं जो इन स्टेट प्लेयर्स पर भारी पड़ रहे हैं। बीसीसीआई वुड लाइक टू डू द सेम थिंग। हम एक TRDW यानी टैलेंट रिसर्च डेवलपमेंट विंग ओपन करना चाहते हैं, जहां फोकस बी टियर टाउन्स पर रहेगा। साउंड्स नाइस सर, लेकिन ये तभी वर्क करेगा जब ये बॉडी डायरेक्ट बोर्ड को रिपोर्ट करेगी। स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के थ्रू गया तो? प्रिसाइजली, TRDW रिपोर्ट करेगी बोर्ड को and the players will be sent directly to National Cricket Academy. Board wants to appoint you as a chairman. Kya kehte ho? Sir, I'll be honored. Good. Brijesh will assist you. Structure ke bare mein socho. Sure. Let me call a meeting next week.
and let's get this going. Sure, sir. Sure. अरे धोनी, इधर क्यों बैठा है? गुड इवनिंग सर. इवनिंग. बस ऐसे ही सर. बैठ बैठ बैठ. सर वो हमारा रूममेट लोग का ड्यूटी था. तो क्वार्टर में बैठे यहाँ बैठे बात तो एक ही है सर. और बैठे बैठे क्या सोच रहा था? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही सर, कुछ नहीं. अरे बात करना चाहिए, मन हल्का हो जाता है. सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे. हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं यहाँ खड़गपुर स्टेशन पे. ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे. रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर हम ही जानते हैं. 8013 अप और 8029 डाउन के बीच में हमारा जॉगिंग हो जाता है. फिर गेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर फाइन इकट्ठा करते हैं. ना तो हमारा गेम इम्प्रूव हो रहा है सर, ना हमको कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. बस रणजी खेले जा रहे हैं. कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाएं, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है. रोज रात को जब क्वार्टर लौटते हैं ना सर, तो ऐसा लगता है आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं. पूछ रहे थे ना कि यहां पे क्यों बैठे, यही सोचते रहते हैं बस. कहीं पे भी बैठे अपने बाप, इतना सब कुछ सोच रहा था. सॉरी सर, बट आई एम स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस सर. अच्छा तुम हमको एक बात बताओ, जब तुमको फुल टॉस मिलता है तो तुम क्या करता है? सर जब तुमको फुल टॉस मिलता है तो तुम क्या करता है? हिट मारता हूं. जूसी हाफ वाली मिलता है तो? ड्राइव करता हूं. अच्छा आउट स्विंगर हो तो? छोड़ देते. अच्छा इन स्विंगर हो तो? डिफेंड करते हैं. और जब तुमको अनप्लेबल कोई बाउंसर आता है तो क्या करता है? डक करते हैं. बस यही तो लाइफ है. ऐसा समझो ये सब बाउंसर्स हैं और अभी तुमको डक करना है. इसमें ज्यादा सोचने का क्या है? लाइफ में सब बॉल एक समान थोड़ी ना मिलेगा. मेरिट पे खेलना है और टिके रहना है. द स्कोरबोर्ड विल कीप मूविंग सर. और ये जॉब आपको लेके तुम ज्यादा टेंशन मत लो. जब तक हम है तुम्हारा जब मन करे जहां मन करे खेलो. अटेंडेंस फैटेंडेंस तुम्हारा जो भी है वो हम देख लेगा. डोंट वरी. थैंक यू सर. सर हम वो टेनिस टूर्नामेंट खेलेंगे, 22 यार्ड की जगह 18 यार्ड पे खेलते हैं, लेकिन सर हमको लगता है बहुत फायदा होगा सर. हाँ हाँ बिल्कुल खेलो. लेकिन सर सब कह रहे हैं कि हमारा गेम खराब हो जाएगा. खराब हो जाएगा? हाँ सर. कौन पागल बोलता है सर वो? अरे तुम्हारा गेम सुधरा ही कब था जो बिगड़ जाएगा है? तुम्हारा प्लस पॉइंट यही है कि तुम एकदम नेचुरल है, समझा सर? चलो अब चल. ये फालतू में ज्यादा सीरियस मत बनो, समझा? और चूल के नहीं काट रहा है सर, वो बढ़ाने का सोच रहे. थोड़ा स्पोकन इंग्लिश ठीक करो अपना जी, आगे काम आएगा. यस सर.